मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब, कोरोना वबा से दिल्ली समेत पूरा मुल्क मुतासिर है। दिल्ली के अंदर 20,000 मामले रोजाना कोरोना पॉजिटिव केस के सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही अस्पतालों में कोरोना से मुतासिर पेशेंट ऑक्सीजन और बेड के लिए तरस रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे हालात में ऑक्सीजन को लेकर के दिल्ली की सियासी गर्मी भी तेज हो चुकी है। ऐसे में जब ऑक्सीजन को लेकर के तमाम सियासी दल एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, साबिक एमएलए संदीप दीक्षित भी इस सियासी जंग में कूद पड़े और ऑक्सीजन को लेकर के उन्होंने दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल को खरी खोटी सुनाई एक वीडियो जारी कर। आइए देखते हैं ये वीडियो। कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि एक गंभीरता से और बड़ी जिम्मेवारी से मैं कहता हूं कि इस दिल्ली में हमारी इस सरकार, मुख्यमंत्री केजरीवाल उसके कैबिनेट पे मेरे हिसाब से हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। और क्यों करना चाहिए वो मैं तथ्य आपके सामने रखता हूं। जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित जी की सरकार थी, तो वो भी चाहते तो हर चीज फ्री कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। बिजली फ्री कर देते, पानी, बस, ट्रेन, मेट्रो, हर चीज फ्री कर देते और हो सकता है सदियों तक जीतते चले जाते। लेकिन कुछ कुछ रियायतें देने के बावजूद भी शीला दीक्षित जी की सरकार ने कुछ मूलभूत काम किए इस शहर में। 15 साल में 18 से 40 अस्पताल अगर हमने बनाए, 4,000 से 11,000 बिस्तरों की तैयारी अगर सरकार की तरफ से की और प्राइवेट सेक्टर ने अलग की, तो किसी कारण से की थी, उसके आपने कभी इश्तहार नहीं देखे, कभी लंबे लंबे नमस्कार मैं मुख्यमंत्री बोल रहा हूं करके इश्तहार नहीं देखे आपके सामने, लेकिन वो काम होते रहे। आज अगर वो 11,000 की जगह 4,000 बिस्तर होते तो आप समझ लीजिए आज जितने लोग मर रहे हैं उससे शायद 5 गुना ज्यादा मृत्यु हो रही होती रोज इस शहर में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ठीक है, 2013 में आपको फ्री बिजली पानी चाहिए था ना, आपने हरवा दिया, हमको कोई दिक्कत नहीं, सलाम है आपकी। कभी कभी प्राथमिकताएं बदलती हैं, आपको लगा कि नहीं बहुत हो गया विकास, अब कुछ और रास्ते चलते हैं। लेकिन उस समय जो 10-11 नए अस्पताल बन रहे थे, द्वारका देख लीजिए, बुराड़ी देख लीजिए, मादीपुर देख लीजिए, तो मेरे पास एक पूरी लिस्ट है दिल्ली सरकार की। मैं आपको लिस्ट क्या दिखाऊं, पूरी लिस्ट है मेरे पास दिल्ली सरकार की, इन दोनों कागजों में ये लिस्ट बनी हुई है, कभी कोई चाहेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। 11, 12, 15 अस्पतालों का शिलान्यास शीला दीक्षित जी कर गई थी, सब के सब बंद हो गए हैं। बल्कि एक आरटीआई में जब हमने पता किया तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अपने बारे में कहा कि ना हमने कोई नया अस्पताल बनाया है, ना उस पर काम शुरू किया है, ना एक भी नया बेड हमने तैयार किया है, जो कुछ किया है पुरानी सरकारों ने किया है। क्यों अरविंद केजरीवाल, क्यों आम आदमी पार्टी? अगर यही 7-8 हजार नए बिस्तर बन गए होते, 12-15 नए अस्पताल बन गए होते, तो क्या कम से कम 50-100 जाने रोज नहीं बचती? जिस तरीके का हाहाकार दिल्ली में मचा है, कुछ तो कम होता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल दिक्कत कम होती, कोई नहीं कह सकता, इतनी भयानक बीमारी है कि कितने भी आप अस्पताल बना लेते, बिस्तर बना लेते, एक स्तर से ज्यादा दिक्कत आती, लेकिन दिक्कत कम आती। अगर मुझे 4 गिलास पानी दिन में चाहिए, 1 गिलास भी मिलता तो प्यासा नहीं मरता मैं। दिल्ली में कम से कम सैकड़ों जाने, हजारों जाने बचती। आपने अपनी राजनीति और अपने वोट के लिए न केवल दिल्ली की राजनीति को सस्ता किया, आपने लोगों की जिंदगी को सस्ता कर दिया, और इसलिए मैं कहता हूं आप पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। जितना भी काम आज हो रहा, जितने भी आप नए बिस्तर बना रहे हैं, जितनी भी आप फैसिलिटीज बना रहे हैं, सब वो है जो हमारी सरकारें करके चली गई थी। और ठीक है, कुछ भी हम लोग कह लें भारत सरकार का, आप तो रोज रोना रोते हो बिगड़े हुए बच्चे की तरह कि भारत सरकार ने काम नहीं करने दिया, काम नहीं करने दिया। रोज तो आप भारत सरकार के ऊपर लांछन कसते हो, रोज तो आप सरकार, भारत सरकार पे 10 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो। जब ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही थी, ऑक्सीजन के जो आपके यहाँ यूनिट लगने थे 8, वो नहीं लगे, एक भी चिट्ठी आपने लिखी केजरीवाल, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की? आप तो केवल अपने अधिकारों के पीछे भागते रहे कि मुझे एलजी से ज्यादा अधिकार मिल जाए, क्योंकि आपको सत्ता का लोभ था, सेवा का नहीं। सत्ता की जगह अगर आप कहते कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं, मेरे 8 सेंटर नहीं बन रहे हैं, तो मैं भी समझता ना कि नहीं, विकास के प्रति आपकी थोड़ी बहुत तो कटिबद्धता है। और आप क्यों, खुद क्यों नहीं बना सकते थे सेंटर? जो मैंने आंकड़े देखे उसमें हिंदुस्तान में 80 सेंटर 200 करोड़ के करीब बन रहे थे। अरे 164 करोड़ तो आपने दिवाली के, जो एक दिवाली में आपने पूजा पाठ करवाया था अक्षरधाम मंदिर में, उसने आपकी आरटीआई बताती है कि 168 करोड़ खर्च कर दिए।
रोज जो आप इश्तहार ला रहे हो जिसमें आप कह रहे हो कि जवान लोग मास्क पहने जैसे उनको खुद पता नहीं है, उसमें 10-15-20 करोड़ आप रोज के खर्च कर रहे हो। हर दिन के इश्तहार पे आप कम से कम एक ऑक्सीजन का सेंटर बना सकते थे। आपके चेहरे देखने की आवश्यकता नहीं थी दिल्ली वालों को, आपकी अपील की दिल्ली वालों को आवश्यकता नहीं थी, आपके पैसे से उनकी सुविधाएं बनने की आवश्यकता थी। और मैं इस वीडियो के माध्यम से दिल्ली के लोगों को कहूंगा, ठीक है आप लोगों को सस्ती कोई चीज चाहिए चाहिए, लेकिन अपनी सरकार पर काम करने का जब से आपने प्रभाव छोड़ दिया है, जब से उनको लगा है कि फ्री फंड की राजनीति बन गई है, दिल्ली की हर व्यवस्था चरमरा रही है और चरमराती रहेगी। अभी तो जैसे मैंने कहा भारत सरकार का भी बहुत इसमें योगदान है, अच्छा है आईटीबीपी के बहादुर सिपाहियों ने एक सेंटर खोल लिया जिसमें 500 बिस्तर मिल गए हैं, आर्मी ने और डीआरडीए ने बड़ी बहादुरी से अपने कुछ सेंटर खोले हैं जहां बहुत से हमारे बीमार जाने लगे हैं। अगर ये सब नहीं होता तो क्या होता? आम आदमी पार्टी की तो केवल रोज फोटो आती है कि अब हम 500 यहां खोल देंगे, 500 वहां खोल देंगे। अरे जब आईटीबीपी और आर्मी वाले खोल सकते थे सेंटर, तो आप क्यों नहीं बिस्तर बढ़ा सकते थे? बंद कर दो ना सारी सब्सिडी, बंद कर दो हर जगह पैसा डालना, झोंक दो हर रुपया इस चीज में, डाल दो हर पैसा इस चीज में। लेकिन नहीं, आपको विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने में एक महीना नहीं लगा, 15 दिन में आपने जहां 50-50 हजार मिलते थे वह 4-4-5-5 लाख की आप लोग तनख्वाहें पा रहे हो हर महीने। ऑक्सीजन के सेंटर बनाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, आप भारत सरकार के सामने खड़े हो। भारत सरकार के सामने क्यों खड़े हो भाई? आज सवेरे वीडियो आया कि खुद आपकी एसडीएम ने पता नहीं रिश्वत के चक्कर में, किस चक्कर में, आपके किस मंत्री के चक्कर में एक ऑक्सीजन की कंपनी बंद कर रखी है, वो आपको नहीं दिखाई देता ये सब चीजें? आपने केजरीवाल साहब, आपने और आपकी पार्टी ने, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अपनी सत्ता, अपने सत्ता के लालच के लिए दिल्ली के लोगों की जिंदगी बेच दी है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में दिल्ली का नागरिक उठकर विकास मांगेगा, जिंदगी मांगेगा, सिर्फ आपकी सस्ती राजनीति में बहेगा नहीं। अभी तक के लिए बस इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए मशरिक न्यूज के साथ। मशरिक न्यूज अपने सभी नाजरीन से गुजारिश करता है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करें, बार बार अपने हाथों को धोएं, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें, बिना वजह अपने घरों से ना निकलें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।